विद्या भारती द्वारा संचालित अखिल भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा कक्षा नवम सत्र 2018-19 की जो परीक्षा होती है उसी का आज मैं प्रश्न पत्र आप लोगों को बताने जा रहा हूं। उम्मीद है आप लोग प्रश्न पत्र को अच्छे से समझोगे और आगामी परीक्षाओं की तैयारी अवश्य करोगे। तो समय एक घंटा दिया जाता है, दिनांक जब ये पेपर हुआ था उस दिन 24/12/2018 थी। परीक्षार्थी का नाम और वर्ग अनुक्रमांक प्राप्तांक पूर्णांक 100 अंकों का, पिता का नाम भरना होता है, विद्यालय का नाम एवं पूर्ण पता आप लोगों को भरना होता है। आलोक देख लेते हैं, नियम कुछ यहाँ पर बताए गए उसको अच्छे से समझ लेते हैं। सभी प्रश्न एक एक अंक के हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर साथ में दिए गए उत्तर पत्र पर आप लोगों को भरने के लिए दिया जाता है, जो कि आप लोगों को काले व नीले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना होता है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस मैं बताता चल रहा हूँ, आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट करते चलें। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया गया था, मथुरा, काशी, कुरुक्षेत्र या फिर हरिद्वार में। प्रश्न संख्या दूसरा, रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म कहाँ हुआ था, मिदनानंद, कोलकाता, वर्धमान, गोसाईगांव। प्रश्न संख्या तीसरा, चित्रकूट किस नदी के तट पर स्थित है, मंदाकिनी, महानदी, सरयू, छिप्रा। हिंदुस्तान विमान कारखाना किस प्रदेश में स्थित है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या फिर आंध्र प्रदेश में। पांचवा प्रश्न, रामायण काल में कौन सा क्षेत्र किष्किंधा कहलाता था, अयोध्या, जनकपुर, रामेश्वरम या फिर विजयनगर। छठा प्रश्न, द्वैत मत के संस्थापक कौन थे, मध्वाचार्य थे, शंकराचार्य थे, स्वामी प्रणवानंद थे या फिर गुरु नानक देव थे। पंजाब का प्राचीन नाम पंचवटी था, पंचनदी था, पंचनद था या पंचशील था, क्या था आपको पता होना चाहिए। विश्वेश्वरैया एक प्रसिद्ध थे, राजनीतिज्ञ थे, पंडित थे, गायक थे या फिर अभियंता थे। वैदिकालीन सरस्वती नदी किस राज्य से बहकर होकर बहती थी, महाराष्ट्र राज्य से, हरियाणा राज्य से, पंजाब से या फिर असम से। गया किस नदी के तट पर बसा हुआ है, फल्गु नदी पर, महानदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न संख्या 11, महाभारत में उल्लिखित इंद्रप्रस्थ वर्तमान में किस नगर का नाम है, पटना का है, उज्जैन का है, कामरूप का है या फिर दिल्ली का है। अगला प्रश्न 12, बौद्ध धर्म के अनुसार कपिल किनके वंशज थे, ऋषि गौतम, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अगस्त्य या फिर ऋषि पद्युम्न। अगला प्रश्न संख्या 13, जिसने कुंवर उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया वह स्वामी भक्त कौन महिला थी, हाड़ा रानी, पन्ना, गंधारी या चिन्नम्मा, इनमें से कौन थी। अगला प्रश्न 14, माँ से विदेश जाने की आज्ञा न मिलने पर किसने विदेश जाने का प्रलोभन ठुकरा दिया, विद्यासागर ने, विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने या आशुतोष मुखर्जी ने। अगला प्रश्न, मैं अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ने का काम करूंगा या कथन किसने कहा, उधम सिंह ने कहा, भगत सिंह ने कहा, लाला लाजपत राय ने कहा या फिर सुभाष चंद्र बोस ने कहा। केवल राष्ट्र ही चिरंतन है इसलिए भारत की जय करो, भारत माता की जय जयकार करो, यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, पंडित पूज्य श्री गुरुजी का या फिर चंद्रशेखर आजाद का। अगला प्रश्न, आदमी को जोड़ो तो देश जुड़ेगा, यह कथन किसने कहा, ऋषि अरविंद ने कहा, बंकिम चंद्र ने कहा, विनोबा भावे ने कहा या फिर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा। अगला प्रश्न संख्या 18, वीर पांडिकट बोमन का जन्म किस सन में हुआ था, 1750 में, 1755 में, 1760 में या फिर 1765 में। अगला प्रश्न संख्या 19, 1799 में कायंतारू तमिलनाडु में किनको फांसी दी गई थी, बोम्मू, शुमधन फुंगले या शंकरन या फिर गोपाल कृष्णन को। संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते प्राणांसि मानांसि ज्ञानांसि चेतांसि। उत्तर मैंने बता दिया, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हिंदू ने इस सारे जगत में किस चीज का वास माना है, कल्याण का, भ्रष्टाचार का, दुख का या फिर परमात्मा का। हमारे समरसतावादी व्यवहार का प्रथम केंद्र कौन सा है, समाज है, विद्यालय है, परिवार है या फिर मित्र है। अगला प्रश्न 23, वसुधैव कुटुंबकम का भाव बताने वाला दूसरा शब्द क्या है, विश्व बंधुत्व है, समरसता है, ज्ञान है या फिर मित्रता है। हमारा शांति मंत्र किस भाव का परिचायक है, समाज कल्याण का परिचायक है, विश्व शांति का परिचायक है, परिवार प्रबोधन का परिचायक है या फिर मित्रता का। अगला प्रश्न संख्या 25, हम भारतीयों आर्यों की कीर्ति के प्रति आहुति प्रदान करते हैं या ध्येय वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया है, जैन अवेस्था, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब या फिर कठोपनिषद से। तो किससे लिया गया है यह आपको बताना है। अगला जो
प्रश्न है, प्रश्न संख्या 26, मिस्र का धर्म भारतीय पद्धतियों पर आधारित है, यह कथन किसने कहा? मेगस्थनीज ने कहा, अरिस्टोटल ने कहा, प्लेटो या पैथागोरस ने कहा, या फिर सुकरात ने कहा? अगला प्रश्न, विश्व में भाषाओं की दृष्टि से सबसे धनी देश कौन सा है? अमेरिका है, भूटान है, चीन है, या फिर भारत है? 28वां प्रश्न, भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषाएं स्वीकार किया गया है? 15 भाषाएं, 18 भाषाएं, 22 भाषाएं, या फिर 25 भाषाएं? 29वां प्रश्न, नाट्यशास्त्र के आदि गुरु कौन हैं? बृहस्पति हैं, भरत ऋषि हैं, कालिदास हैं, या फिर बुधायन हैं? 30वां प्रश्न, अरुण केतु किसको कहा जाता है? भगवान शिव को, सूर्य को, भगवा ध्वज को, या पुच्छल तारा को? रामनवमी किस महीने में मनाई जाती है? वैशाख में, आषाढ़ में, चैत्र, या फिर श्रावण? प्रश्न संख्या 32, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, या फिर रामेश्वरम? अवंतिका किस राजा की राजधानी थी? हर्षवर्धन, विक्रमादित्य, पृथ्वीराज चौहान, या फिर राजा शिवी? कोणार्क किस तीर्थ स्थान के निकट स्थित है? जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, हरिद्वार, या फिर कोल्लम? किनकी मूर्ति शालिग्राम शिला में बनी ध्यानमय चतुर्भुज मूर्ति है? ओमकारेश्वर की है, सोमनाथ की है, बद्रीनाथ की है, या फिर केदारनाथ की है? खुजराहो स्थित मंदिर किनके द्वारा बनवाया गया था? चंदेलो द्वारा, बुंदेलो द्वारा, बघेलो द्वारा, या फिर राष्ट्रकूट के द्वारा? अगला प्रश्न, हमारे प्रमुख उपनिषद कितने हैं? 18 हैं, 9 हैं, 11 हैं, या फिर 5 हैं? ताहि देई गतिराम उदारा किसके आश्रम पगुधारा? तो रिक्त स्थान भरना है आप लोगों को, वशिष्ठ आश्रम, वैश्वामित्र के आश्रम, या सबरी के आश्रम, या फिर अगस्त के आश्रम? तो रिक्त स्थान भरने के लिए पूछा गया है। 39वां प्रश्न, श्री राम के अनुसार पहली भक्ति कौन सी है? माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, संतों का सत्संग, या फिर ईश्वर की भक्ति? विश्वरूप दर्शन में भगवान का कौन सा रूप था? विनम्र का, क्षमाशील का, कठोर का, या फिर महाकाल का? आवश्यकता से अधिक भोग्य वस्तुओं का संग्रह न करने को क्या कहते हैं? अपरिग्रह, यम, नियम, या ब्रह्मचर्य, इनमें से क्या कहते हैं? बालकों को 5वें वर्ष में जो संस्कार दिया जाता है उसका नाम क्या है? चूड़ा कर्म, उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, या फिर कर्णवेद, इनमें से कौन सा संस्कार होगा? शरीर और मन की स्वच्छता को क्या कहते हैं? अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, शौच, या अस्तित्व? अपने कर्म और अपनी इच्छा का ईश्वर को समर्पण करने को क्या कहते हैं? तप, संतोष, शौच, या फिर ईश्वर प्राणधान? लक्ष्मण घाट कहाँ पर स्थित है? हरिद्वार में, उज्जैन में, काशी में, या फिर अयोध्या में? राजा वीण के वीर पुत्र कौन थे? भृगु, पृथु, ध्रुव, या फिर प्रहलाद? राजा उत्तानपाद के पुत्र कौन थे? ध्रुव थे, प्रहलाद थे, हरिश्चंद्र थे, या पृथु थे? आदिवासु शिल्पी कौन थे? कुमारिल भट्ट, नायनमार, विश्वकर्मा, या फिर ललितादित्य? 49वां प्रश्न, कश्मीर के कारकोट वंश के सबसे शक्तिशाली हिंदू शासक कौन थे? ललितादित्य, हरि सिंह, विजय सिंह, या फिर विक्रमादित्य? प्रश्न संख्या 50वां, भगवान बुद्ध के पिता शुद्धोधन कहाँ के राजा थे? इंद्रप्रस्थ के, लुम्बिनी के, कपिलवस्तु के, या फिर वैशाली के? अगला प्रश्न, 24वें जैन तीर्थकार कौन थे? नेमिनाथ थे, चंद्रप्रभु थे, महावीर थे, या फिर अजितनाथ थे? इनमें से कौन थे? शंकराचार्य ने कितने वर्ष की आयु में समस्त धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया? 10 वर्ष, 14 वर्ष, 18 वर्ष, या फिर 16 वर्ष? योग के प्रवर्तक तथा महान व्याकरणाचार्य कौन थे? पतंजलि, रामदेव, ऋषभदेव, या फिर दधीच? 54वां प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं चैतन्य, कबीर, तुलसीदास, या फिर ज्ञानेश्वर? वाक्पति किन्हें कहा जाता है? शंकराचार्य को, वल्लभाचार्य को, नामदेव को, या ज्ञानेश्वर को? तमिलनाडु में शैव संप्रदाय के अनुयायी संतों को क्या कहते हैं? तो अनुयायी संतों को क्या कहते हैं ये पूछा गया है, उन्हें नायनमार कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं, या फिर दिगंबर कहते हैं, या फिर आलवार कहते हैं? आपको बताना है क्या कहते हैं।
कवितावली ग्रंथ के रचयिता कौन है? ज्ञानेश्वर हैं, कबीर हैं, तुलसीदास हैं या फिर मध्वाचार्य जी हैं? पूर्व मीमांसा के मुख्य आचार्य कौन थे? कुमारिल भट्ट थे, तुलसीदास थे, रामानुजाचार्य थे या फिर शंकराचार्य थे? स्वामी विवेकानंद किनके शिष्य थे? शंकराचार्य, चैतन्य, कबीर या फिर रामकृष्ण परमहंस? वेद का अन्य नाम क्या है? श्रुति है, ज्ञान है, स्वाध्याय है या फिर ईश्वर भजन है? पुराण कितने हैं? 12 हैं, 9 हैं, 18 हैं या फिर 10? आदि गुरु शंकराचार्य ने कितने उपनिषदों पर भाष्य लिखा? 6, 9, 12 और 18। प्रश्न संख्या 63, दीनदयाल शोध संस्थान की स्थापना किसने की? जयप्रकाश नारायण जी ने, नानाजी देशमुख ने, दीनदयाल उपाध्याय ने या फिर राम मनोहर लोहिया जी ने? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ? 1942, 1947, 1943 या फिर 1948 में? भारत कोकिला किन्हें कहते हैं? सरोजिनी नायडू को, लता मंगेशकर को, आशा भोसले या फिर विजय लक्ष्मी पंडित को? प्रश्न संख्या 66, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वॉल्टर विघॉट हैं, बर्नार्ड शॉ हैं, वॉल्टर रैले हैं या फिर जे थॉमसन थॉमस? अगला 67, मानवीय संस्कृति का उद्गम स्थान भारतवर्ष ही है या कथन थियोसोफी के मार्च 1881 अंक में किसने लिखा? वॉल्टर स्कॉट ने लिखा, कर्नल अलकॉट ने लिखा, वेल्ड्यूराइट ने लिखा या अलेक्जेंडर घोष ने लिखा? 68वां प्रश्न, कोई शक्ति है जो पृथ्वी के साथ वस्तुओं को चिपकाए रखती है या विचार पहली बार किसने दिया? भगवान बुद्ध जी ने, वाराह विमिहर ने दिया था, आइंस्टाइन ने दिया था या आर्यभट्ट ने दिया था? प्रश्न संख्या 69, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन थे? ब्रह्मगुप्त, महावीर, वाराहमिहिर या फिर मध्वाचार्य? प्रश्न संख्या 70, ब्रह्मगुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? हरियाणा में, उत्तराखंड में, बिहार में या फिर गुजरात में? 71वां प्रश्न, खंड गाद्य ग्रंथ के रचयिता माने जाते हैं ब्रह्मगुप्त, वाराहमिहिर, कुमारिल या फिर ललितादित्य? 72वां प्रश्न, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने विज्ञान के किस क्षेत्र में प्रयोगों को नई दिशा दी? कृषि को, अंतरिक्ष विज्ञान को, कंप्यूटर को या फिर नैनो टेक्नोलॉजी को? अगला प्रश्न, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर का सन 1941 में पहला ग्रंथ किस विषय पर प्रकाशित हुआ था? चुंबकीय रसायन, जैव विविधता, कंप्यूटर या फिर सौर ऊर्जा? 74वां प्रश्न, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय ने DSC की उपाधि कहाँ से प्राप्त की थी? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, एडिनबरा विश्वविद्यालय से, लंदन विश्वविद्यालय से या फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से? डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म कहाँ हुआ था? गुजरात में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में या फिर झारखंड में? बोसोन कण का नाम किनके नाम पर रखा गया? आइंस्टाइन, सत्येंद्र नाथ बसु, जगदीश चंद्र बसु या फिर CB देसाई? 77वां प्रश्न है, वनस्पति में चेतना शक्ति है यह सिद्धांत किसने दिया? जगदीश चंद्र बसु ने, सत्येंद्र नाथ बसु ने, हरगोविंद खुराना जी ने या फिर डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी ने? किसको ग्राफ का आविष्कार किसने किया? जगदीश चंद्र बसु ने, CB देसाई जी ने, हरगोविंद खुराना जी ने या फिर रामानुजन ने? तो इनमें से किसने किया? गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन थे? रामनाथम, जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर CB देसाई या फिर हरगोविंद खुराना? लोहे पर लगा जंग क्या होता है? आयरन ऑक्साइड, कार्बन, ग्रेफाइट या फिर जैविक रचना? वृक्षायुर्वेद के रचयिता माने जाते हैं पतंजलि, पराशर, शंकराचार्य या फिर चरक? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 82, पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर पंजाब में? 83वां प्रश्न, प्रक्षेपास्त्र अग्नि 2 अपनी 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता को कितनी देर में पूरा कर सकता है? 1 घंटे में, 30 मिनट में, 11 मिनट में या फिर 5 मिनट में? 84वां प्रश्न देख लेते हैं, सुश्रुत संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? 100 अध्याय हैं, 120 अध्याय हैं, 140 अध्याय हैं या फिर 150 अध्याय हैं? 85वां प्रश्न, सबसे पहले किसने बताया कि धरती एक गोला है? वाराहमिहिर ने, ब्रह्मगुप्त ने, आर्यभट्ट ने या फिर गैलीलियो ने? किसने बताया? अंतरिक्ष में पाया जाने वाला प्रथम अणु कौन सा था? हाइड्रोक्साइड, कार्बन, हीलियम या फिर बोसोन? भारत के किस प्रक्षेपण केंद्र से सभी
अभी तक सर्वाधिक भारतीय उपग्रह छोड़े गए हैं? चांदीपुर, रावतभाटा, श्रीहरिकोटा या फिर थुम्बा? प्रश्न संख्या 88, काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में, काशी में, मथुरा में या फिर कानपुर में? 89वां प्रश्न, कालड़े संस्कृत विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में या फिर केरल में? अगला प्रश्न संख्या 90, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, कृष्णा नदी, गोदावरी या फिर साबरमती? किस प्रथम ओलंपिक धावक को पद्मश्री से विभूषित किया गया था? मिल्खा सिंह, राम सिंह यादव, राजीव बालाकृष्णन या फिर अनिल कुमार? अगला क्वेश्चन, बेटन कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से, हॉकी से, फुटबॉल से या फिर टेनिस से? नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर? अगला 94वां प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? असम से है, जम्मू कश्मीर से है, गुजरात से है या फिर गोवा से? अगला प्रश्न संख्या 95, थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 12 दिसंबर, 16 दिसंबर, 7 दिसंबर या फिर 22 दिसंबर? 96वां प्रश्न, रामानंद सागर के 1947 के भारत विभाजन की घटनाओं पर आधारित पुस्तक का नाम बताइए। का है और देश बट गया, खा है और इंसान मर गया, गा है आधी रात में आज़ादी और अंतिम है आज़ादी की कीमत। 97वां प्रश्न देख लेते हैं, चंपारण भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या फिर असम में? 98वां प्रश्न देख लेते हैं, 1978-80 तक में गुजरात यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन रहे थे? श्री प्रहलाद वैद्य थे, हिमांशु पांडे थे, परिमल त्रिवेदी थे या इनमें से कोई नहीं? 99वां प्रश्न देख लेते हैं, रसीदी टिकट किस लेखक का आत्मचरित्र है? मृणालिनी सारा भाई, अमृता प्रीतम, खुशवंत सिंह या फिर महेंद्र सिंह का? और सबसे अंतिम प्रश्न इस प्रश्न पत्र का, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था? 1910 में, 1905 में, 1920 में और 1919 में? इसी तरह की वीडियो और देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।